हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस हमने जो जूनियर अवेकर्स की थी, आप लोगों को बहुत पसंद आई। मैं उसके लिए आपसे शुक्रिया करती हूँ। और बेनिफिट आपको अगर जो उन वीडियोस से हो रहा है, तो मेरी आज डे 8 की वीडियो है, वो भी आप देखिए। उससे बच्चों को अगर जो डेली आप प्रैक्टिस करवाएंगे, तो बहुत अच्छे से उनको अवेकर्स आना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों बेसिक है, छोटे बच्चे हैं, क्योंकि हमारी ये सीरीज 2 से 6-7 साल तक के बच्चों की चल रही है, जो बहुत ही जूनियर ग्रुप के बच्चे होते हैं। इसलिए आपका हर सीरीज में हर उसको ध्यान से देखना और उसकी प्रैक्टिस कराना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आज हमारा डे 8 है। जिन ऑडियंस ने, जिन व्यूअर्स ने नहीं देखी है हमारी लास्ट वीडियोस, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने लिंक को सेंड कर दूंगी। इन डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 एंड डे 7 तक हमारे डेज हो चुके हैं, सीरीज हो चुकी है। आज हमारा 8 है, तो आप उनकी प्रैक्टिस आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने की थी। क्योंकि जिन्होंने पहले डे 1 और डे 2 समझ में आएगा, तभी वो डे 8 को कर पाएंगे। क्योंकि उसमें हमारा बेस जब हम स्टार्टिंग से करते हैं, तो ज्यादा अच्छे से हम बच्चों को समझा पाते हैं। तो देखिए, डे 8 में हमें क्या करना है। जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा था, ये हमारा अबेकस टूल होता है, छोटे बच्चों के लिए हम कलरफुल यूज करते हैं, ठीक है। और ये हमारा मास्टर अबेकस है, ये मेनली हम अपने टीचर्स के उसमें यूज करते हैं। तो बच्चे इसी टूल को यूज करके ही सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने वंस पॉइंट को ये येलो वाला माना है। आप डे 1 वाली वीडियो में देखिएगा, ये सारा क्लियर है। तो अब हम डे 8 में हम क्या करेंगे। जैसे हमारा ये वाला टूल है, ये यूनिट पॉइंट है। 8 में क्या करना है हमें, देखिए 5, आपको पता ही है हमने 4 फिंगर यूज की थी 5 के लिए। एड वन, कितना हो गया 5 एंड 1 6 एंड 1 7 एंड 1 8। ओके, तो ये हमारा बन गया 8। अब हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे, पहले हमने टूल पर उनको बता दिया। देखिए, हमने अभी मास्टर टूल पर सीखा था, अब हम बच्चों को कैसे बताएंगे। ऐसे पहले जूम आउट करना है, ऐड 5 इस वाली फिंगर से करना है। छोटे बच्चे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, फिंगर्स का सही यूज करवाएंगे आप। इसी तरह से ही प्रैक्टिस करवानी है जिस तरह से मैं बता रही हूँ, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। ऐड 5 8, फिर से प्रैक्टिस करिए। बच्चों को जितनी बार हम बीट्स को फिंगर प्रैक्टिस करते हुए करेंगे यूज, तो बच्चा जल्दी से ऐसे फिंगर को यूज करना सीख जाएगा। 5 6 7 8। दिन में से आप ओनली 5 मिनट्स भी लेके बैठेंगे ना, तो अबेकस बहुत इजी है, बच्चे को जरूर आएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक शीट लेनी है। इस तरह से ब्लैंक शीट ले लीजिए या नोटबुक ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उस पर बच्चे को प्रैक्टिस कराइए। आपने जैसे टूल मेक करवाया, इस तरह से ये हमारा टूल बन गया, ये डिवाइडर पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 8 बनाना सिखाना है उसे, इस तरह से 8 बनाना सिखाना है। अब 8 बनाने के लिए हम करेंगे 5, पहले 5 को करवाइएगा, 1 नहीं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। 5 को अगर जो हम 3 के बाद 5 बोलेंगे, तो वो ऐड नहीं कर पाएगा। तो पहले 5, क्योंकि 5 का कंसेप्ट हमारे लास्ट वीडियो में आप देखिएगा क्लियर हो चुका है। जब बच्चे को आ जाता है, तो 8 का भी उसको इजीली समझ में आ जाएगा। तो 5 6 7 8, इस तरह से बीट्स की उसको प्रैक्टिस कराइए और बोलिए कि यहाँ पर हमें इस तरह से 8 लिखना है। अब उसको ट्रेसिंग के लिए दीजिए, क्योंकि जो 2 साल के बच्चे हैं, उनको जितनी प्रैक्टिस करवाएंगे उतना अच्छा है। आप इस तरह से शीट दे दीजिए ट्रेसिंग की, और फिर वो इसके ऊपर ट्रेस करेगा। उससे बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा कि किस तरह से हमें 8 बनाना है और 8 की किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या और क्या करना है, साथ साथ हम फिंगरिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। वो किस तरह से करेंगे, जैसे आपने टूल यूज किया है, ठीक है, माइंड में उस बच्चे को आप क्या कहिए, ऐसे आईज क्लोज करने के लिए कहिए, मेक टूल करने बोलिए उनको कि मेक टूल करो बेटा, जो आपने बीट ऐसे यूज करा है उसको, जो हमने टूल पर मेक किया, जैसे ये वाला देखिए येलो रोड है ना, आप अपने माइंड में येलो रोड बनाओ। हमारे डिवाइडर पॉइंट के अब कौन सा बीट था, वो कहेगा 5, दैट्स गुड 5। अब आपको इस तरह से करना है 5, अब 5 की प्रैक्टिस उसकी ऐसे हो जाए 5
बोलिएगा, क्योंकि उससे क्या है कॉन्सेंट्रेशन उसका बूस्ट होगा। अब 5 and 1 क्या बन गया 6, 5 and 1 and 1 कितने बीट्स अप में देगा, साथ साथ में उसको मेमोरी विजुअल प्रैक्टिस की भी उसकी होती रहेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप इस तरह से इन सीरीज को देखिए और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराइए, क्योंकि अबेकस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो होल लाइफ हमारा यूज होता है। मैथ्स तो आपको पता ही है कितना इम्पोर्टेंट है ना, तो आप प्लीज बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस करवाइए। जो मेरी सीरीज चल रही है उसको इंटरेस्ट से देखिए और डेली से 5 मिनट्स आप उनको दीजिए, पॉज करिए वीडियो को, फिर उसको प्रैक्टिस करवाइए, देखिए आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। तो ओके फ्रेंड्स, बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और जो कर चुके हैं वो आगे शेयर कर दीजिए। बाय, थैंक यू।